भगवान श्री रामकृष्ण देव श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं ऑल इंडिया यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए। जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड में देखा होगा, इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन फॉर्मल इनॉग्रेशन हमारे चीफ गेस्ट श्री सर्बानंद सोनोवाल ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा होगा। वैसे तो उद्घाटन अभी होने वाला था 10 बजे, परंतु सुबह की फ्लाइट वो नहीं ले पाए तो अभी बाद की फ्लाइट में आ रहे हैं, तो आएंगे अवश्य। और उद्घाटन समारोह 2 से 3 के बीच का होगा। इसके पहले हम लोगों ने समय का सदुपयोग करने के लिए यह सत्र एक इनफॉर्मल सत्र रखा है, तो जो लेक्चर बाद में जो सुनने मिलता आपको वो अभी सुनने को मिल जाएगा, पहले सुनने को मिल जाएगा। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस अवसर पर आपको जैसा पता है कि ऑल इंडिया यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 राज्यों के करीब 650 युवक भाई बहन के भाई बहन इसमें भाग ले रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। जितने यहाँ पर भाई बहन आए हैं छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, अरुणाचल प्रदेश के, सभी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम लोग के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि स्वामी सुमनसानंद जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वामी सुमनसानंद जी अभी हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के वरिष्ठ सन्यासी हैं। अभी तक वे चेरापूंजी में थे सेक्रेटरी के रूप में, वहाँ पर उन्होंने पूर्वांचल प्रदेशों में बहुत अच्छा काम किया। अब वो एक सप्ताह के भीतर में जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, हमारा जो सेंटर है डर्बन सेंटर का चार्ज लेने के लिए जा रहे हैं, जो उनको हार्दिक बधाई भी देते हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं और साथ साथ में स्वागत करते हैं अरुणिमा सिन्हा जी का। अरुणिमा सिन्हा द फर्स्ट फीमेल एम्पीटी ऑफ द होल वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने ब्रेक किया है कि सारे एक ही पैर से माउंट एवरेस्ट अभी तक किसी ने नहीं किया। मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। वो खुद अपनी कहानी बताएगी किस प्रकार से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 23 जनवरी 2013 को हमारे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा में आई थी। आप लोगों में से जिन्होंने ये आश्रम नहीं देखा अवश्य वहाँ पर पधारें। रामकृष्ण मिशन के 178 ब्रांच सेंटर से सारे वर्ल्ड में, उसमें से 40 विदेश में है, बाकी के भारतवर्ष में, जिसमें 4 गुजरात में है, राजकोट, लिंबी, पोरबंदर और बड़ौदा। 18 अप्रैल 2005 को गुजरात सरकार ने जिस ऐतिहासिक जिलाराम बंगला में रामकृष्ण मिशन, जिस ऐतिहासिक जिलाराम बंगला में स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे 1892 में, अमेरिका जाने के पहले सारे भारत का जो परिभ्रमण किया उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया। उसका अंतिम चरण था उनका बड़ौदा से, फिर स्वामी जी बम्बई गए, वहाँ से महाबलेश्वर, फिर वहाँ से त्रिवेंद्रम, वहाँ से कन्याकुमारी और फिर बम्बई आकर के 31 मई 1893 को उन्होंने बम्बई के लिए जहाज किया। तो ये गुजरात की यात्रा का अंतिम चरण था बड़ौदा। यहाँ पर स्वामी जी ने वो जिस बंगले में स्वामी विवेकानंद, जिस बंगले में हरिदास विहारदास देसाई के मित्र मणिभाई जसभाई दीवान जी रहते थे, उसी बंगले में रहे थे, और वो बंगलो रामकृष्ण मिशन को गुजरात सरकार ने सौंप दिया। नरेंद्र भाई मोदी खुद आए थे 18 अप्रैल 2005 को, और तब से यहाँ स्मृति मंदिर बना है, ऑफिशियल सेंटर बना है, वहाँ मेडिटेशन रूम है जहाँ मेडिटेशन करने के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। उसमें की एक थी अरुणिमा सिन्हा जो कि आई थी यहाँ पर 23 जनवरी 2013 को। उस समय तक उसने माउंट एवरेस्ट सर नहीं किया था,
पर वो उसका प्रोग्राम था 20,000 फीट तक ऊपर भी चली गई थी उसके बाद में यहां से उसको और ज्यादा प्रेरणा मिली यहां से उसको स्वामी विवेकानंद की किताबें वगैरह दी गई फोटो दिया गया और अरुणिमा सिन्हा ने ये मुझे प्रॉमिस दिया था कि यह फोटो मैं वहां पर माउंट एवरेस्ट में रख करके आऊंगी और वो काम उसने किया अपना प्रॉमिस अदा किया वहां पर 21 मई 2013 को उन्होंने जब ये स्वीकार शिखर प्राप्त किया उसके बाद में वहां पर रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का फोटो की पूजा करके वहीं पर रख करके आई और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि यदि तुम ये प्रॉमिस का पालन करोगे तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे हमारे इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में जिसमें डॉक्टर कलाम आने वाले हैं तो मैंने भी अपने प्रॉमिस का पालन किया 10 और 11 अगस्त 2013 को इसी हॉल में इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया था जिसका उद्घाटन डॉक्टर कलाम ने किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया और उन्होंने डॉक्टर कलाम जी ने अरुणिमा सिन्हा का सम्मान किया इसी हॉल में उस समय उन्होंने बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच दी थी बहुत ही प्रेरणादायी प्रवचन दिया था उसके कारण बड़ौदा निवासी तब से हमारे पीछे लगे कि उन अरुणिमा को और बुलाइए फिर बुलाइए पर अब उसको मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन गई अभी तो उसको पद्मश्री भी मिल गया अभी इसी साल उसको पद्मश्री मिला प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको ये पद्मश्री अवार्ड दिया मार्च महीने में उसके पहले 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो उसका सम्मान किया था 11 जनवरी 2014 को गुजरात सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जो 150वीं जन्म जयंती मनाई थी उसका समापन समारोह 11 जनवरी को था महात्मा गांधी मंदिर में तो महात्मा गांधी मंदिर में नरेंद्र मोदी जी ने प्रवचन दिया उसके बाद में एक गुजराती में हम लोगों ने जो पुस्तक निकाली है गुजरात में विवेकानंद 23 साल की रिसर्च के बाद उसका उन्होंने विमोचन किया और फिर अरुणिमा सिन्हा का वहां पर उन्होंने सम्मान किया वो था 11 जनवरी 2014 और 12 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय मुख्यमंत्री थे अब प्रधानमंत्री हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी जो किताब है अरुणिमा सिन्हा जी की किताब उनकी ऑटोबायोग्राफी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन जो पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित हुई है उसका विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया 12 दिसंबर 2014 तो आप सोचिए 11 अप्रैल 2011 में दो पटरियों के बीच में पड़ी हुई वह कन्या और कहां पहुंच गई 2013 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचे शिखर पर और अभी आज है उसके पहले तो उसने पद्मश्री भी प्राप्त कर लिया उसकी किताब भी निकल गई और बहुत आगे बढ़ गई अभी कहीं कितनी जगह पर उसको निमंत्रण आते हैं कई कई जगह पर वो जा नहीं पाती है समय उसके पास नहीं है फिर भी क्योंकि बड़ौदा से उसको स्पेशल इंस्पिरेशन मिला है यहाँ ध्यान कक्ष में उसको स्पेशल एनर्जी मिली है हम जब भी बुलाते हैं वो आ जाती है ये उसकी 5वीं विजिट है बड़ौदा की पहली बार आई वो हमने नहीं बुलाया था हम तो उसको जानते भी नहीं थे ग्रीन आइस नाम की संस्था है माउंटेनियरिंग क्लब वो जंकना बेन है उनके हस्बैंड है विमल भाई सेठ उन्होंने उनको बुलाया था फिर मेरे को कहा कि आप भी वहाँ पर आइए तो मैं उसी दिन उसके पहले दिन कलकत्ता से आया था मैं बोला मैं नहीं आ पाऊंगा पर आप उनको ले आइए तब अरुणिमा वहाँ पर आई हमारे विवेकानंद मेमोरियल में वहाँ उसको बहुत अच्छा लगा और फिर जब मैंने सब बातें सुनी तब जब ये सब बातें सुनने के बाद मैं समझ गया शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल जब मैंने उसको बोला यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोले स्वामी जी मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूँ बोला देखा बाद में तुम बताना कि हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी पर मैं समझ गया कि शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी शी इज प्रूव दैट शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पहली बार वो 23 जनवरी को आई थी वहां पर उसने ध्यान किया 22-23 जनवरी दोनों दिन आई थी पर वो एक ही पहली विजिट हम समझ सकते हैं बड़ौदा की उसके बाद में हम लोगों ने उनको बुलाया था 11 जनवरी को तो 2013 में 10 अगस्त 11 अगस्त को जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था उसमें उसका हमने सम्मान किया वो सेकेंड विजिट हुई थर्ड विजिट में हमने उनको बुलाया था 19 जनवरी 2014 को सर सयाजीराव नगर गुरु में आप लोग जानते हैं कि स्कूल के बच्चों के लिए हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं तो
हर साल लगभग 75,000 विद्यार्थी भाग लेते हैं 1,000 स्कूलों के. स्वामी विवेकानंद की किताब उनको दी जाती है, उस पर उनकी परीक्षा होती है. तो उसका पुरस्कार वितरण समारोह था. वो पुरस्कार वितरण समारोह में वो चीफ गेस्ट बनकर आई थी, वो और तिवारी जी, ये दोनों चीफ गेस्ट थे. तो ये सरसयाजीराव रविंद्र में वो उसने उस समय की विजिट है. उस समय उसने और भी बहुत जगह लेक्चर दिए. वो था 19 जनवरी 2014. फिर आई 23 अगस्त 2014 को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में उसका लेक्चर था. फिर यहाँ वहाँ से बड़ौदा आई 24 अगस्त 2014 को उसका लेक्चर यहाँ पर हुआ हमारे आश्रम में. उसके बाद और भी आने वाली थी पर किसी के लिए कारण से वो सब कैंसल हुआ. पर आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये पांचवी विजिट में अरुणिमा सिन्हा जी फिर से हमारे साथ हैं, इसलिए उनका बहुत हार्दिक स्वागत है.